और मैं हूं पंकज भट्ट। बेगूसराय के आज एक ऐसे गांव से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिस गांव का बेगूसराय के चुनावी इतिहास में अपनी एक अलग कहानी, एक अलग संदेश दिया था इस गांव ने, जिस गांव में मैं अभी खड़ा हूं। जी हां, ये इस गांव का नाम है रचियाही। और ये जो रास्ते हैं, ये रास्ते गुप्ता बांध से नीचे की तरफ उतर करके सीधे चली जाती है, जो पहले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बालू हुआ करता था। आज आप देख सकते हैं कि विकास की रफ्तार किस तरह से इस क्षेत्र में हुई है कि पक्की सड़कें बन चुकी है, जो कि सीधे आप चाहें तो इस रास्ते के माध्यम से सिमरिया तक जा सकते हैं, थर्मल भी जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से देख लीजिए कि ये रास्ता रचियाही गांव जाती है, जहां बिहार का पहला बूथ लूट कांड हुआ था। जी हाँ, मैं आपको उस तमाम जगह का दर्शन कराऊंगा, तमाम जगह लेके चलूंगा जहां से चुनाव में पहली बार बूथ कैप्चरिंग का मामला प्रकाश में आया था। और वो बूथ कैप्चरिंग एक नामी गिरामी तस्कर थे उस समय के, कामदेव सिंह के द्वारा किया गया था। और दिलचस्प बात ये भी है कि कामदेव सिंह के पुत्र राजकुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के मटिहानी विधानसभा के उम्मीदवार भी हैं, और यह क्षेत्र भी मटिहानी विधानसभा के अंतर्गत ही आता है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उस जगह, वो स्थल दिखाने की कोशिश करते हैं जिस स्थल पर हुआ था बिहार का पहला बूथ कैप्चरिंग। बिहार की राजनीति में एक नया चीज़ ला करके दिया था, वो था बूथ कैप्चरिंग। और ये वही जगह है जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, वो जगह इस बात का प्रमाण है कि ये जगह बिहार की राजनीति में पहली बार बूथ कैप्चरिंग इसी जगह हुआ था। और ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये जो अब खंडहर सा जो आपको दिख रहा है, ये वही बूथ हुआ करता था एक समय में। यहाँ ये जो जगह है, ये कचहरी के नाम से बोला जाता है, और वो कचहरी जहाँ पे अंग्रेज लोग बैठा करते थे और दंड वगैरह देने का काम यहीं से उनकी न्यायिक व्यवस्था की जाती थी। अब ये वही जगह है जहाँ पे बूथ कैप्चरिंग की मामला सामने आई थी पूरे बिहार में पहली बार। आपको हम इस जगह को दिखा देते हैं अंदर ले चल के। चलना चलना चल 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 ये देखिए कि इस ये कितना पुराना बिल्डिंग हो सकता है कि यहाँ पे अब इस दीवार से एक पेड़ पीपल का निकला, जो कि अब पूरे बिल्डिंग को एक तरीके से कहिए कि पकड़ के रखा है, गिरने नहीं दे रहा है। अंदर की स्थिति और भी जर्जर हो चुकी है। यहाँ देखिए अंदर से आपको ये पेड़ दिखा रहा हूँ कि क्या हालत हो चुकी है अब उस बूथ सेंटर का। आप देखिए कि ये रचियाही का कचहरी है, जहाँ पहले 1954-55 की बात है, उस 54-55 के समय में जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में जो उम्मीदवार थे, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का वर्चस्व था। और यहाँ पे उस समय कॉमरेड चंद्रशेखर बिहट से जो आते थे, उन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ा था कांग्रेस प्रत्याशी सरयू सिंह के खिलाफ। हम कोशिश करते हैं कि उस वक्त अगर कोई व्यक्ति इस गांव में, अगर उस वक्त के कोई वोटर्स मिले, या उस टाइम जब बूथ कैप्चरिंग का मामला आया था,
तो कोई उसके गवाह हैं या नहीं है, चूँकि मामला बहुत पुराना है। अब इतना पुराना है कि उस समय के लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि अगर कोई ऐसे लोग मिले जो उस वक्त के गवाही थे। हमें कुछ लोगों ने बताया, जानकारी दिया कि यहाँ इस घर में हैं लोग जो उस वक्त की घटना को जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था बेगूसराय के रचिया ही गांव में, जब पूरे बिहार के चुनाव के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा था बूथ कैप्चरिंग का। जी, बूथ कैप्चरिंग से संबंधित जो मामला हुआ था, लोगों ने बताया है कि आप उस समय थे, तो क्या लगता है कि उस समय क्या मतलब हुआ, क्या था जो जेन्यून चीज़? देखिए, लोग हल्ला करता है कि रचियाही कचहरी बूथ लूटा जाता है, लेकिन उस समय 54-55 की बात है। चंद्रशेखर सिंह और सरजू सिंह दोनों में भिड़े थे। चंद्रशेखर सिंह कम्युनिस्ट पार्टी थे और सरजू सिंह कांग्रेस पार्टी, लेकिन बूथ लूटा नहीं गया। रास्ता में ही छड़की के पार टपने पर वहाँ से जो पब्लिक आता था उसको घुरा दिया गया, और इस बूथ पर कहीं कोई तरह की छापामारी या कोई तरह की झंझट नहीं हुआ है, अन्य आज तक हो रहा है। लेकिन लोग तो बता रहे हैं कि यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई थी और बिहार की पहली घटना थी। हाँ, बिहार में ये पहली घटना है जो कि आज तक सेंटर से लेकर के राज तक हर इलेक्शन में इसको लोग जांच करते हैं और जाँच करने के लिए आते हैं। लेकिन हमारी भी जिस समय था उस समय हम 17-18 साल के थे, आज शायद अब इस गांव में उम्र का लोग भी नहीं बचा है, और अभी का नौजवान जो भी बच्चा है इसको जन्म भी पैदा नहीं लिया था, तो क्या बता सकता है। जिस रोज से उसके बाद इस गांव में नहीं कहीं तक बूथ कैप्चर हुआ है, नहीं कोई तरह की इलेक्शन में झंझट बड़ा विवाद होता है। तो ये जो पूरा गांव है, इस गांव में किस किस समाज के लोग, किस किस जात के लोग, चूँकि यहाँ जातिगत राजनीति होती है बिहार में, दलगत राजनीति भी होती है, और इस बार क्या कुछ हो पाएगा, कुछ अनुभव शेयर करें। देखिए, ये गांव खास करके बैकवर्ड का गांव है, 10-15 हज़ार की जनसंख्या की बात है। यहाँ अभी जिस रोज से कुछ राजनीतिक जो है, कुछ जात पात की राजनीति होती है, कुछ पार्टी की बात होती है, कुछ सिद्धांत की बात होती है, लेकिन इस रचियाही में नीतीश जी के नाम पर कोई भी आदमी आते हैं कैंडिडेट, उनको वोट मिलता है। अच्छा, बैकवर्ड मतलब जातिगत नहीं, दलगत बात होती है कि हम इस पार्टी को मतलब समर्थन देते हैं तो इस पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनको वोट करेंगे, जात से वहाँ पे जात से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अच्छा। नीतीश जी के अनुपात पर, उनकी नाम पर, उनकी भावना पर यहाँ को लोग वोट डालते हैं। अच्छा, नीतीश जी की सरकार बननी चाहिए बिहार में? देखिए, बिहार में तो एक बार तीनों पार्टी का सरकार बना था, नीतीश जी, लालू जी, रामविलास जी, लेकिन ये कुल चले गए जंगल राज बना करके। तो नीतीश जी को 15 साल बीत रहा है, अभी जो बिहार जनता को जो ये विकास लेकर के बिहार में जनता को अमन चैन रहने के लिए, ये 15 साल के दरमियान में नीतीश जी ने विकास दिखलाए हैं। यहाँ की जनता, बिहार का अमन चैन से रात दिन बुलता है, घूमता है। और लालू जी के राज में अमन चैन नहीं था, जनता बेचैन चलता था, रोड पर नहीं निकलता था। इसलिए अभी तो बिहार में नीतीश जी को प्रतिशत आदमी हर वर्ग, एगो खास करके जातीय पर नहीं, हर वर्ग ने नीतीश जी को, नीतीश जी का डिमांड करता है। अच्छा, विकास आपके गांव में कब से शुरू हुआ और आपके गांव का पहले क्या स्थिति था और अभी कितना बदला? अभी तो मान लीजिए विकास तो जो कुछ था पहले ही हुआ है, और अभी भी जहाँ तहाँ स्कूल हो, बात हो, विचार हो, जो पार्टी के लोग हैं वो करते हैं।
अच्छा काम होता है, काम होता है। अच्छा पहले जिस समय बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई थी उस समय गांव कैसा था, सड़कें कैसी थी? जिस समय बूथ कैप्चर हुई थी हमारा गुप्ता बांध पड़ता है लौढाला के बगल में, उधर से इधर आने का जाने का कोई सुविधा नहीं था, आवागमन बंद था। बरसात में बाढ़ को लेकर के पानी लेकर के कठिनाई, रौदी में बालू लेकर के कठिनाई। अब तो यहाँ पर कोई कठिनाई नहीं जनता को गुजरता है, अब तो कोई अथी नहीं है। अच्छा ये सड़क कौन बनवाए, जो रचियाही का जो मेन सड़क है? ये रचियाही का मेन सड़क सांसद भोला सिंह पहले विधायक थे, उसके बाद विकास मंत्री बने, गृह मंत्री बने। इस इलाका का विकास को उत्पादन करने वाले श्री भोला सिंह थे, जो कि इस बार वो अपने देहांत हो गए। इस गांव से भोला सिंह को वोट भी मिलता होगा? इस गांव से भोला सिंह को छोड़कर किसी को वोट नहीं मिलता था उस समय। वो किस पार्टी में, चूंकि पार्टी तो कई बदले हैं, वो पार्टी थे कांग्रेस पार्टी से। जब से कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस में आए उस समय से इस गाँव का सारी इलाका का दीरा का वोट भोला सिंह को मिलता था। क्या लगता है तो ये इस बार का तस्वीर क्या होगा, वोटिंग किनको जा सकता है रचियाही से? तो यहाँ तो अस्पष्ट लड़ाई है। मान लीजिए पार्टी के लेवल पर चलता है, सिद्धांत के लेवल चलता है, तो गांव में खास करके मान लीजिए 75% मोदी जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर वोट ही जाएगा, चाहे बोगो सिंह हैं या चाहे कोई भी रहे। अच्छा ये जो बूथ कैप्चरिंग हुई थी, एक बड़े नेम एंड फेम था उनका, कामदेव सिंह नाम था, कंपनी के नाम से उनको लोग बोलते हैं, आज भी लोग कंपनी के नाम से बोलते हैं। उनके पुत्र भी इस बार मटिहानी विधानसभा से लोजपा के प्रत्याशी हैं, तो क्या कुछ उनको पिता के किए गए कार्यों का कुछ फायदा मिल सकता है? देखिए कामदेव सिंह जो क्रिमिनल नहीं थे, स्मगलर थे, सरकार साथ लेते थे, तो इसलिए ऐसा बात नहीं है कि राजकुमार जो आए हैं तो कामदेव सिंह बन गए हैं। और कामदेव सिंह को तानाशाही के अनुकूल वो वोट गिरा लेंगे। अब वो राज नहीं है, वो समय नहीं है, वो राजनीतिक नहीं है। हाँ जनता के प्रभाव से कामदेव सिंह कोई नेता नहीं थे जो उनकी प्रभाव से जनता उसको वोट दे देगा। एक तो होता है खानदानी, ये बाप दादा को देखते, जैसे जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इंदिरा गांधी ने गुजरा, नहीं नहीं राजीव गांधी गुजरा, सोनिया गांधी किया, लेकिन वो बात अब नहीं है कि कामदेव सिंह का बेटा आ गए हैं तो कामदेव सिंह ही बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आम लोगों पे पकड़ कैसा? आप राजकुमार जी नए राजनीतिक में आए हैं, उनसे यहाँ की जनता का भरसक चीन जान भी नहीं है। आप कैसा नेतृत्व करते हैं नहीं करते हैं तो भविष्य में बताएगा। बोगो सिंह के विषय में यहाँ 15 साल वो विधायक बन चुके हैं, बोगो सिंह लेकर के पार्टी के लेवल के लेकर भाजपा के या जदयू के नाम पर मान लीजिए या उनकी अपना सिद्धांत विचार पर जो भी वोट मिलेगा उनकी पार्टी के नाम पर मिलेगा। अच्छा बोगो सिंह के द्वारा यहाँ इस सब क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? विधायक हैं, मान लीजिए जितना वो काम है उनका वो ही कर सकते हैं। विधायक रूप में हर जगह अपना वो कहीं रोड भी बनवाए हैं, कहीं नहीं भी बना है, कहीं दान प्रदान किए हैं, कहीं एवरेज नहीं भी किए हैं, एवरेज में है, एवरेज में है। इसलिए बोगो सिंह की जनता के साथ में लगाव हो चुका है। अभी कामदेव अच्छा, सिंह बेटा का कंपनी का कोई लगाव नहीं है। बूथ कैप्चरिंग जो उस समय काम हुआ तो उस समय भी गाड़ी वगैरह का भी प्रयोग किया गया था या घोड़ा वगैरह का प्रयोग किया गया था? उस समय गाड़ी उड़ी नहीं चलता था, उस समय घोड़ा चलता था। उस समय गाड़ी उड़ी ये बालू में गाड़ी आएगा कहाँ से, रास्ते ही नहीं था। घोड़ा उड़ा का देखे कि घोड़ा उड़ा चलता था, घोड़ा उड़ा जी, और गाड़ी उड़ी तो रास्ते नहीं था जो किसी को गाड़ी चलता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बात के लिए कि आपने बीटी न्यूज़ को इतनी सारी जानकारी दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोती राय जी। जी घर रचियाही वार्ड, रचियाही वार्ड नंबर 2। तो आप ये देखें कि उस समय के गवाह को मैंने ढूंढ निकाला जिन्होंने अपने आँखों से देखा था कि घटना कैसे हुई। हालांकि इनका कहना है कि बूथ कैप्चरिंग
का नाम जरूर हुआ लेकिन बूथ कैप्चरिंग हुआ नहीं था, लोगों को वोट गिराने नहीं दिया गया था, मतलब यहाँ आने से पहले ही रास्ते में ही उन्हें रोक रखा गया था। कुछ ऐसी ही बात बता रहे हैं मोतीराय। मोतीराय जी बताइए कि क्या बूथ कैप्चरिंग यहाँ पे हुआ था या रास्ते में लोगों को रोका गया था? बूथ कैप्चरिंग सर नहीं हुआ, रास्ते उलाव ढाला के बगल के बाद रास्ता नहीं था, खंता था, रास्ता नहीं था, वो बैलगाड़ी से आ रहा था, लोग ने जा करके उसको वहीं से वापस कर दिए। उस समय आपकी उम्र क्या थी? उस समय मेरा उम्र 18 साल की थी। वोट गिराते थे? नहीं, वोट नहीं गिराते थे उस समय, वोट में नाम नहीं, नाम नहीं था, नाम नहीं था। तो ये थे मोती राय, जिनकी अभी उम्र लगभग 80-82 साल बता रहे हैं। उस समय जिस समय बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई थी इनकी उम्र 18 साल थी लेकिन ये वोटर नहीं बनाए गए थे। अब हम आपको और भी चीज़ दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए कि जहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है, ये भगवान शिव का मंदिर है और उस साइड में लगता है माता पार्वती का मंदिर है। तो शिव और पार्वती दोनों का मंदिर अब यहाँ पे बना हुआ है और ये पुराना पीपल का पेड़ जो कि अब उसी कचहरी को पकड़ करके किसी तरीके से इस धरोहर को यह पेड़ ही बचाए हुए है, अन्यथा ये जमींदोज होने के कगार पर है।